यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक लैपटॉप का अनबॉक्सिंग। ये नेचुरली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये मैं यूएस से इंपोर्ट किया हूँ। एक्चुअली ये मैं ईबे से मंगाया हूँ, देखते हैं पैकेज में क्या आता है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, इसके साथ शायद एक केस मिला है। चलिए इसको खोलते हैं। ये इसके साथ इसका कवर मिला है जो लैपटॉप बैग से बेटर है, बट ये हैंड कैसे है देख पाता हूँ। देखिए कवर ये करने के लिए बैग दिया हुआ है, क्वालिटी डिसेंट है पर ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है चलिए इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं लैपटॉप में क्या है। ऐसा स्क्रीन गार्ड है उसके बाद में देखेंगे। ये इसका इनवॉइस है, इनवॉइस में आप सब देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है HP NB M6X 360 कोर i7। इसका मॉडल नंबर मैं बता रहा हूँ आपको M6AQ105DX है, जो i7 7th जनरेशन प्रोसेसर 16GB रैम और 1TB हार्ड डिस्क के साथ आता है विथ विंडोज 10, जिसका प्राइस है लगभग 58,000। चलिए देखते हैं। इसका लैपटॉप है पैकेज के अंदर, ये इसका अडाप्टर है चार्जिंग अडाप्टर, इसका एक्सटेंशन है। आप लोगों को बताया गया था कि ये यूएस का मॉडल है इसलिए यूएस का चार्जर पिन के साथ आता है। इसके साथ हम लोग ने एक पिन कन्वर्टर दिया हुआ है जो इंडियन पिन में लग जाएगा, देख सकते हैं एक कन्वर्टर है 3 पिन। चलो इसको साइड में रखते हैं, लैपटॉप देख लेते हैं। तो कवर जो आता है वो भी बहुत बढ़िया है, वेलवेट का बना हुआ है। अब ये आ गया लैपटॉप, आप सब देख सकते हैं ये लैपटॉप है जो आईएसलैंड कीबोर्ड के साथ आता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है i7 7th जनरेशन 16GB DDR4 रैम के साथ आता है, जो इंटेल HD 620 को सपोर्ट करता है, जो बैंग एंड आउट ऑडियो के साथ आता है। इसका पोर्ट आप लोग को दिखा देता हूँ, HDMI पोर्ट, USB 3.1, USB टाइप सी पोर्ट, SD कार्ड है। इस साइड में देख लेते हैं, इस साइड में हेडफोन है जो हेडफोन प्लस ईयरफोन दोनों का एक साथ है कॉम्बिनेशन, ये भी USB पोर्ट है।
USB 3.0 पोर्ट है और पावर स्विच इंडिकेटर है। एक कोई DVD राइट के साथ नहीं आता है। ये देखिए आप लोग, ये पूरा फुल्ली कन्वर्टेबल है, मतलब ये टैबलेट मोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। चलिए आप इसको ऑन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, ठीक है। इसका फुल रिव्यू लेके बाद में आऊँगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।